वेरी वेल वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन के बारे में, जो एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में जो इलेक्ट्रिफाइड है। अब ये जो इलेक्ट्रिफाइड प्लेन है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा उसी के ऊपर ही होगा। इस इलेक्ट्रिफाइड एरोप्लेन का नाम है एलिस, और ये टाइप का एक प्रोटोटाइप इसको बिल्ड किया गया है। इस जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक एयरप्लेन या एक इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को उड़ाया गया है, जिस जगह पर उड़ाया गया है वो है आपका यूएस। यूएस में इसको उड़ाया गया है एक पर्टिकुलर जगह पर। इस पर्टिकुलर जगह का जो नाम है वो सेंट्रल वॉशिंगटन स्टेट है, और इस पर्टिकुलर स्टेट जो है इसके एयरफील्ड में, यहाँ के एयरफील्ड में इसको उड़ाया गया। लगभग इसने दो चक्कर मारे उस एयरफील्ड के, लगभग 8 मिनट तक ये हवा में रहा, और 8 मिनट के हवा में रहने के बाद इसने सेफ लैंडिंग भी किया। सेफ लैंडिंग करने के बाद इसने एक पोटेंशियल को बता दिया है कि कैसे कोई इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का भी आगे जाके हम कमर्शियल, इसमें फ्यूचर पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको कार्गो ट्रैवल के पर्पस से भी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होगा, इससे इस प्लेन की वजह से इसमें कई चीज़ें देखे गई। इसमें कार्बन एमिशन 0% है, मतलब जैसे आपके जेट इंजन्स जब ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है, तो इसमें ये बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा, रिडक्शन ऑफ नॉइस। रिडक्शन ऑफ नॉइस कहा जाए मतलब इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं होगा, बहुत रिडक्शन है। जैसे जेट इंजन की साउंड आती है वैसा साउंड इसमें बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। तीसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह देखने को होती है कि पर फ्लाइट आवर्स जो कॉस्ट लगती है कंपनी को, मतलब एक बार फ्लाइट टेक ऑफ करती है और उस प्लेन के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक जो खर्चा आता है उस पूरे पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने का, ऑपरेट करने का, जैसे फ्यूल व्यूल सब इन्वॉल्व कर दिया जाए, ये जो पर फ्लाइट आवर जो कॉस्ट है ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिफाइड एयरक्राफ्ट डेवलप होने लग गए तो। तो ये एकमात्र एक ऐसा प्रोटोटाइप है जिसको डेवलप किया गया। इसको डेवलप करने वाली कंपनी है उसका नाम है एयरलिंटन बेस्ड कंपनी, जिसका नाम है एविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी। इसी कंपनी ने इसको डेवलप किया है, और इसने पोटेंशियल को बताया है कि आगे जाके ऐसे भी फ्यूचर एयरक्राफ्ट आने वाले हैं जो आपके इलेक्ट्रिफाइड होंगे, तो ये पोटेंशियल इसमें देखने को मिलता है। अब इस प्लेन में लगभग 21,500 आपके टेस्ला स्टाइल बैटरी सेल्स लगे हुए हैं। अगर इसका पूरा वेट देखा जाए प्लेन का, तो पूरे वेट में आधे से ज़्यादा वेट इसी पर्टिकुलर बैटरी सेल्स का है जो इसको पावर करते हैं। साथ में इसमें कार्बन कंपोजिट एयर फ्रेम्स लगे हैं जो वज़न में हल्के होते हैं लेकिन उतने ही मजबूत होते हैं, तो वो चीज़ इसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके तीन वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। इसके तीन वेरिएंट्स में बात की जाए तो पहला वेरिएंट है वो आपका कमर्शियल कम्यूटर एयरक्राफ्ट है जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होगा। दूसरा है आपका एक एक्जीक्यूटिव एयरक्राफ्ट जो सिक्स एक एयरक्राफ्ट होगा, जबकि इसका जो तीसरा वर्जन होगा वो आपका ई कार्गो ट्रैवल वर्जन होगा, जो आपका कार्गो या फिर माल ढोने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसके तीन वेरिएंट्स हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं। तीसरी बात है, इसको पावर करेगी आपकी मैग्नी के 650 इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। अभी तक का ये सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम देखा गया है, और इस प्रोपल्शन सिस्टम का ये इसको अब ये कहा जा रहा था कि एकमात्र फ्लाइट प्रूवन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है अभी तक के एडवांसमेंट में। साथ ही साथ इसमें कई और एडवांस जो गैजेट्स हैं वो लगे गए हैं, जैसे कि इसके हर पार्ट्स को अलग अलग कंपनी ने बनाया है, जिसमें कि सबसे पहले बात की जाए AVI ने इसके बैटरी सपोर्ट को क्रिएट किया है, बनाया है। GKN ने इसके विंग्स को बनाया है, जबकि हनीवेल ने इसको इसके फ्लाई बाय वायर सिस्टम जो कि एडवांस फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स है उसको क्रिएट किया है। साथ ही साथ फ्लाइट कंट्रोल और एवियोनिक्स को भी इसमें इन्होंने बना के क्रिएट किया है, और साथ ही साथ इसके जो मल्टीप्लास्ट कंपनी है इसके फ्यूजलाज को बनाया है, और पार्कर एरोस्पेस कंपनी है उसने इसके 6 टेक्नोलॉजी सिस्टम को डेवलप किया है। साथ ही साथ इसके डोर्स को पोटेस कंपनी ने डेवलप करके किया है। इन सब के एसोसिएशन से ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है वो बिल्ड हो पाया है, तो ये सब फीचर इसमें देखने को मिलते हैं।
अब इसने जब उड़ान भरी तो इस उड़ान भरने के दौरान ये मैक्सिमम हाइट जो अटेन कर पाया वो लगभग 3,500 फीट के आसपास उड़ान भरी। दो चक्कर इसने लगाया और दो चक्कर मारने के बाद एयरफील्ड के रनवे वापस आके सेफ लैंडिंग किया। धीरे धीरे अगर इसको डेवलप किया जाए तो ऐसे बड़े कमर्शियल प्लेन्स या फिर आपके कार्गो प्लेन्स ज़रूर बनेंगे जो आगे जाके इलेक्ट्रिफाइड वर्जन्स होंगे। तो उस में इस ये लैंडमार्क अचीवमेंट है और ये पहला स्टेप आप समझिए जिसमें ये प्रोटोटाइप को डेवलप करके दिखाया गया है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।